गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैन यू हियर मी? वी कैन स्टार्ट, प्लीज रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स। मिस्टर धीरज, मिस्टर आदित्य, मिस्टर आशीष, मिस्टर बिलाल, मिस्टर पीवी मूर्ति, कैन यू हियर मी? चैट बॉक्स गिवन ऑन द राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर, यू कैन टाइप अ मैसेज इन दैट। ठीक है, जितने लोग नए लोग अटेंड कर रहे हैं, आपको ऑब्वियसली फ्रेश ट्रेड मिलेगा, बट वी हैव सम ओपन पोजिशंस, सो वी विल डिस्कस दैट, वी विल स्क्वायर ऑफ दैट, एंड देन विल डिस्कस दी फ्रेश फ्रेश ट्रेड, फ्रेश पोर्शंस। ओके, सो पुराना जो पोर्शंस है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो आपको नहीं लेना है, जितने भी लोग नए अटेंड कर रहे हैं, और जो फ्रेश ट्रेड मैं दूंगा वो आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, व्हाट्सएप पे आपको ट्रेड भी मिलेगा, सो व्हाट्सएप पे अगर आपको मैसेज नहीं मिलता है, इमीडिएटली ड्रॉप अ मैसेज टू मी, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करो, और मेरा नंबर सेव करके रखना 977 वाला कॉन्टैक्ट लिस्ट में। तो लेट्स स्टार्ट, पहले निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ओपन पोर्शंस का डिस्कस करेंगे। एक काम करो, पहले एमटीएम बता दो मुझे, मिस्टर पीवी मूर्ति, मिस्टर आंसर, व्हाट इज द एमटीएम? एमटीएम कितना है? निफ्टी स्ट्रेटजी? नो, प्लस, पॉजिटिव है, लॉस है, क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, वेट वन मिनट। मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ी देर वेट करेंगे, बिकॉज ये आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, यहाँ पर ये आवरली चार्ट है निफ्टी का, एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सपोर्ट मार्क किए हुए हैं। ठीक है, ये सपोर्ट है निफ्टी के लिए, काफी अच्छा सपोर्ट है, एंड दिस इज द रेजिस्टेंस। तो ओवरऑल अभी फिलहाल रेंज में ही लग रहा है, तो मेरे हिसाब से थोड़ी देर और वेट करेंगे, उसके बाद में ट्रेड लेंगे। अब मतलब फ्रेश ट्रेड अभी लेंगे, लेकिन ये जो करंट पोजिशन है वो थोड़ा वेट करके स्क्वायर ऑफ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बड़ा डोमिनेंट रेड कैंडल है, करेक्ट, इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे। सपोर्ट जो आता है निफ्टी का आता है 16,800, 16,900, तो पहले हम लोग सपोर्ट मार्क कर लेते हैं, वेट वन मिनट। निफ्टी का आज का इंट्राडे सपोर्ट है ये 16,900, 16,800। ठीक है, और रेजिस्टेंस आता है निफ्टी में, ये लेवल आता है 17,200, 17,300 के आसपास, रेजिस्टेंस आ रहा है 17,200, 17,300, ये रेंज में आएगा तो शॉर्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, बैंक निफ्टी का लेवल्स चेक कर लेते हैं, एक मिनट, वेट वन मिनट। बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट आ रहा है 35,700 से लेके 36,000 तक, तो काफी अच्छा सपोर्ट है ये, 35,800 से लेके 36,000, ये काफी अच्छा सपोर्ट है। बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस आ रहा है ये 36,600, 36,600 से लेके 36,800, यही रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हम लोग पहले लिख लेते हैं, यस, तो ये रेजिस्टेंस है निफ्टी का, ये रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, और ये सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी, और ये सपोर्ट लेवल है निफ्टी। लेवल्स क्लियर क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी प्लीज, लेवल्स क्लियर है क्या? सपोर्ट लेवल है क्या? रेजिस्टेंस लेवल है? लेवल्स क्लियर है? हाँ, ये रेंज में आएगा तो ट्रेड प्लान करना है आपको इंट्राडे, सपोर्ट में आएगा तो, और रेजिस्टेंस आएगा तो अकॉर्डिंगली सेल प्लान करना है। ठीक है, यस, थोड़ा सा वेट करेंगे, मेरे हिसाब से अभी फिलहाल थोड़ा सा कंसोलिडेट लग रहा है, रेंज बाउंड लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी हम लोग होल्ड करेंगे, निफ्टी स्ट्रैटेजी भी हम लोग होल्ड करेंगे, मैं आपको मैसेज करूंगा, थोड़ा प्रॉफिट और बढ़ने दो। ठीक है, कुछ लोगों को क्या प्रॉफिट ज्यादा दिखता है ना, तो वो तुरंत मैसेज करते हैं, सर स्क्वायर ऑफ कर दूं, स्क्वायर ऑफ कर दूं, तो कई लोग ने तो स्क्वायर ऑफ कर दिया सुबह सुबह मॉर्निंग में मैसेज करके। ठीक है, इसलिए मैंने भी बोल दिया कि स्क्वायर ऑफ कर दो, क्योंकि उनको प्रॉफिट ज्यादा दिखता है, हजम नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, हाँ समझ गए होंगे किसको मैं बोल रहा हूँ, करेक्ट। तो यस, निफ्टी स्ट्रैटेजी हम लोग होल्ड कर रहे हैं, और प्रॉफिट आने दो, प्रॉफिट आने और आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रॉफिट अगर और आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो बार बार मैसेज मत करो कब स्क्वायर ऑफ करना है, कब स्क्वायर ऑफ करना है, मैं आपको बता दूंगा कब स्क्वायर ऑफ करना है, प्रॉफिट और आने दो, और आने दो प्रॉफिट।
ठीक है, ये रेंज में लग रहा है, निफ्टी रेंज में है, बैंक निफ्टी भी रेंज में है, बैंक निफ्टी का भी पैटर्न सेम है। सो लेट इट गिव अ ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट थोड़ा सा देने दो इसको, तो फिर हम लोग ट्रेड लेंगे, तो हमें एक काफी अच्छा ट्रेड मिल सकता है। एक काम करते हैं, पहले स्टॉक स्कैनिंग कर लेते हैं आज। आज मुझे लग रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी साइडवेज ही लग रहा है, और स्टॉक स्कैनिंग पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। सर आंसर वापस मैं बोल रहा हूँ, आपका जो माइंड जो है ना मैक्सिमम प्रॉफिट के जो लालच में जाते हो ना, ये बंद कर दो। ठीक है, हमें अगर मूवमेंट दिखेगा हम लोग स्क्वायर ऑफ करेंगे, एकदम सिंपल है। ये मैक्स प्रॉफिट के लालच के चक्कर में जाना बंद कर दो। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टॉक्स ऐड कर लेते हैं, मार्केट वॉच में ऐड कर लेते हैं, एंड विल डिस्कस द मॉर्निंग कॉल्स। तो मॉर्निंग कॉल्स हम लोग डिस्कस करते हैं, वेट 1 मिनट। हीरो मोटो शॉर्ट है, वोल्टा शॉर्ट है, हेवेल शॉर्ट है, क्या बात है, ये सारे स्टॉक शॉर्ट में है। हीरो मोटो शॉर्ट, वोल्टा शॉर्ट एंड हेवेल शॉर्ट। ठीक है, ये तीनों स्टॉक शॉर्ट में है, एंड वेट 1 मिनट है, ये तीन स्टॉक रेडार पर आए हैं शॉर्ट में, और देखते हैं बाइंग में कौन सा स्टॉक आया है। एमआरपीएल तो ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है, पेट्रोनेट आया है और यूपीएल आया है, पेट्रोनेट और यूपीएल। ठीक है, ये भी चेक करते हैं। पेट्रोनेट है एंड यूपीएल है। ठीक है, ये कुछ स्टॉक्स रडार पर आए, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर कुछ ट्रेड कन्विक्शन के साथ रहा तो मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं ये स्टॉक्स में, लेट्स डू द एनालिसिस। हीरो मोटोकॉर्प क्या लग रहा है, हीरो मोटोकॉर्प आवरली चार्ट के हिसाब से क्या बात है, बहुत जबरदस्त सेल है, तो बहुत जबरदस्त सेल है ये, आवरली चार्ट के हिसाब से तो खत्म ही हो गया ये, और डेली चार्ट के हिसाब से भी खत्म है, लेकिन ये सपोर्ट के आसपास है, यहाँ पर सपोर्ट है इसका, ये दिख रहा है क्या, ये सपोर्ट है एक्चुअली, ये सपोर्ट के आसपास है, बनाया इन्वर्टेड हैमर ही है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर ट्रेड लेते हैं इसमें। ठीक है, हीरो मोटो मैं ऐड कर लो, मार्केट वॉच में ऐड करके रखूँ, मैं ट्रेड दूंगा इसमें। वोल्टास देखते हैं, वोल्टास तो बहुत जबरदस्त सेल है, बहुत जबरदस्त सेल है वोल्टास तो, इसने ये वाला सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया, थोड़ा सा वेट करेंगे, बाउंस करेगा लेकिन ना, ये बाउंस करेगा, 1200 के आसपास तक बाउंस कर सकता है, 1205 1210 के आसपास तक, तब सेल करेंगे। हैवेल्स का क्या सीन है, हैवेल्स ब्रेकडाउन है, हैवेल्स भी जाएगा नीचे। पेट्रोनेट थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग मॉर्निंग कॉल्स के लिए, 10 AM कैंडल को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, 10 बजे का जो कैंडल है उसको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा ट्रेड लेंगे। ठीक है, थोड़ा वेट करके ट्रेड लेंगे। यूपीएल भी काफी अच्छा बाय है, यूपीएल ने भी रेजिस्टेंस क्रॉस किया है, थोड़ा वेट करते हैं फिर ट्रेड लेते हैं। आने दो प्रॉफिट, आने दो, निफ्टी स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट आ रहा होगा, बैंक निफ्टी में भी आ रहा होगा, आने दो थोड़ा प्रॉफिट, प्रॉफिट का जरूरत है। मिस्टर दिव्य निवार मैं नहीं देखता, आपको पता है मैं अब मेरा खुद का चैनल चला रहा हूँ यहाँ पे, मैं मेरा खुद का चैनल यहाँ पे चला रहा हूँ, मैं बाकी चैनल्स नहीं देखता। ये ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट दिया है ये, लेकिन थोड़ा वेट करके ट्रेड लेंगे, मतलब प्राइस एकदम ऊपर ओपन हुआ और हम लोग चढ़कर बाय नहीं करेंगे, जबरदस्ती बाय नहीं करना है, थोड़ा वेट कर लो। थोड़ा वेट करके ट्रेड लेंगे। कैंडल बहुत इंटरेस्टिंग बना है यहाँ पे, निफ्टी का कैंडल बहुत इंटरेस्टिंग कैंडल है ये।
ये अगर आपको समझ में आ रहा है, ये थोड़ा सा इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न जैसा दिख रहा है, दिख रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई। थोड़ा सा इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न जैसा दिख रहा है, इट्स अ इन्वर्टेड फ्लैग। ब्रेकडाउन अभी तक दिया नहीं है, ये लो के नीचे ब्रेकडाउन होगा 17,000 के नीचे। इन्वर्टेड फ्लैग है, 17,000 के नीचे ब्रेकडाउन होगा। अगर नहीं हुआ तो ये फिर वापस रिकवर हो जाएगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 10 बजे तक का कैंडल का वेट करना पड़ेगा। थोड़ा वेट करेंगे, स्मार्टली ट्रेड लेंगे आज। आज एकदम जंप करके ट्रेड नहीं ले सकते हम लोग। आने दो मोमेंटम, आने दो। और कोई स्टॉक रडार पर है नहीं, थोड़ा वेट करना। पांच स्टॉक्स है, पांच में से कोई एक या दो ट्रेड तो हम लोग लेंगे लेंगे, प्लस बैंक निफ्टी में भी ट्रेड लेंगे हम लोग। ऐसा है, ये एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट सुमी केमिकल? सुमी केमिकल ये पहले भी हम लोगों ने रेकमेंड किया हुआ है, और इट्स अ वेरी गुड बायर, पहले भी हम लोगों ने रेकमेंड किया हुआ है। यू कैन सी हियर, इसमें काफी अच्छा बड़ा वाला कप पैटर्न बना ही है। दिस इज अ कप पैटर्न, कप एंड हैंडल बना है इसमें, एक्चुअली परफेक्ट डेली चार्ट पे ये चलेगा। ये 600 तक जा सकता है, इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसे बाय कर लो पोर्टफोलियो में, 600 तक जा सकता है ये, 600 तक। सोमी केमिकल बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, आई थिंक मेरे हिसाब से इसने वीकली पे भी ब्रेकआउट दिया होगा, वीकली पे भी ब्रेकआउट है। यू कैन सी हियर, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, चलेगा ये। निफ्टी माइनस है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, मतलब बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रेंथ है, बैंक निफ्टी में हम लोग ट्रेड जरूर लेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बैंक निफ्टी में ट्रेड लेंगे, बट लेट लेट इट द कैंडल गेट कम्प्लीटली फॉर्म, क्योंकि ये 15 मिनट का कैंडल फॉर्म हुआ है, डोजी कैंडल बना है, सेकेंड कैंडल रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, तो थोड़ा वेट करके ट्रेड लेंगे। देखो यूपीएल नीचे आ रहा है, देखो यूपीएल नीचे आ रहा है। इसमें क्या होता है, बेटर प्राइस पे हमें ट्रेड मिल जाता है ना, वो बात है, और कुछ नहीं है। ठीक है, एक इंट्राडे ऑप्शंस राइटिंग में ट्रेड दे रहा हूँ, जस्ट वेट 1 मिनट। ये पुट को थोड़ा रडार पर रख लो, क्योंकि मुझे लग रहा है ये, वेट 1 मिनट, वेट 1 मिनट, मैसेज कर रहा हूँ मैं। इंडेक्स लग रहा है ऊपर चला जाएगा यहाँ से, मुझे लग रहा है इंडेक्स यहाँ से ऊपर चला जाएगा। मुझे लग रहा है यहाँ से इंडेक्स ऊपर जाएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा थोड़ा यहाँ से। मैंने मैसेज किया, एक ट्रेड मिला क्या? मैसेज किया मैंने, ट्रेड मिला? प्लीज रिप्लाई, चेक कर लो जरा। बैंक निफ्टी पुट राइटिंग ट्रेड दिया है, बैंक निफ्टी पुट राइटिंग ट्रेड दिया है 36,200, ट्रेड मिला होगा, ट्रेड कर लो। ट्रेड मिला होगा, ट्रेड कर लो, बैंक निफ्टी पुट राइटिंग ट्रेड दिया है मैंने, ये वाला पुट सेल दिया है, 150 का टारगेट है। मैंने पुट सेल का ट्रेड दिया है मिस्टर सचिन, कॉल बाय का ट्रेड नहीं दिया है। ठीक है, पुट सेल का ट्रेड दिया है मैंने, वोल्टास शॉर्ट नहीं करना, वोल्टास में थोड़ा सा ट्रिकी पैटर्न लग रहा है, वोल्टास हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे, हेवल्स भी हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे, और यूपीएल बाय लग रहा है अभी, क्योंकि ये काफी अच्छा 10 बजे का कैंडल को रेस्पेक्ट कर रहा है मेरे हिसाब से। 15 मिनट है अभी भी लेकिन, ठीक है, और यूपीएल ये चल सकता है, ये जा सकता है नीचे, थोड़ा वेट करेंगे और स्टॉक्स में ट्रेड मिलेगा।
स्टॉक्स में ट्रेड मिलेगा। बैंक निफ्टी का पुट 225 में एक लॉट सेल करना है, 260 270 के आसपास मिलता है तो एक और लॉट सेल करना है, ऐसे मैंने मैसेज किया। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। बैंकिंग स्टॉक्स में मुझे लग रहा है बाइंग ट्रेड मिल सकता है, वेट ऑन मिनट। बैंकिंग स्टॉक्स में स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी में बाइंग ट्रेड मिल सकता है। मैं आरबीएल बैंक क्या हुआ है चला है, ठीक है, फेडरल बैंक, एयू बैंक चला है, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक चल रहा है। चलो एक ट्रेड मिल गया है, एक ट्रेड हम लोग ले लेते हैं। मैंने मैसेज किया, एक और ट्रेड मिला, प्लीज रिप्लाई, हाँ एक और ट्रेड मिला होगा, चेक कर लो। मैसेज किया मैंने, इंडसइंड बैंक मिला होगा, इंडसइंड बैंक। मैंने भी दो लॉट शॉर्ट किया है, यहाँ पे दो लॉट और करूंगा। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, जो मैंने आपको ट्रेड दिया वो दो लॉट मैंने भी सेल किया है। ठीक है, दो लॉट और करूंगा मैं, दो या तीन लॉट और करूंगा। बैंक निफ्टी चलना चालू हुआ, मेरे हिसाब से अभी हम लोग निफ्टी स्ट्रेटेजी स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली निफ्टी भी ऊपर जाएगा, ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो जस्ट वेट वन मिनट, मैं मैसेज कर रहा हूँ, मैं मैसेज करूँगा, उसके बाद ही करना है जो कुछ भी करना है, उसके पहले कुछ नहीं करना है। पुट ऑप्शन सेल किया है, हाँ जो मैसेज किया वो ट्रेड लेना है, जो मैसेज नहीं किया वो अभी तक नहीं करना है, मतलब निफ्टी स्ट्रेटेजी मैंने स्क्वायर ऑफ मैसेज नहीं दिया अभी तक। ठीक है, एक दो कैंडल और वेट करते हैं मेरे हिसाब से। अगर ये 10 साढ़े 10 बजे तक मूवमेंट नहीं आया ना, तो मतलब समझ लो 12-1 बजे तक मूवमेंट नहीं आएगा, ऐसा है, तो 12-1 बजे तक मूवमेंट नहीं आएगा। 36,400 लग रहा है मुझे बैंक निफ्टी। इंडसइंड बैंक भी चलना स्टार्ट हुआ, इंडसइंड बैंक मैंने अभी बाय दिया है, इंडसइंड बैंक चलना स्टार्ट हुआ है, चेक कर लो। अब हम लोग ले सकते हैं यूपीएल, यूपीएल अब चलेगा, क्योंकि यूपीएल में इसने सस्टेन दिखाया है, सस्टेन हो रहा है, तो आप यूपीएल ले सकते हैं इंट्राडे के लिए। मैसेज किया मैंने यूपीएल भी, कैश सेगमेंट स्टॉक्स में ज्यादा ट्रेड, ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं लेना है कैश सेगमेंट स्टॉक्स में, ठीक है, ऑप्शंस में आपको लेना है ले सकते हैं, 3-4 लॉट 5 लॉट ले सकते हैं ऑप्शंस में, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है, पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करना है। किसी भी ट्रेड में एग्जैक्ट टारगेट, एग्जैक्ट स्टॉप लॉस, एग्जैक्ट टारगेट का वेट नहीं करना है। ठीक है, ट्रेलिंग एसएल करना है, ट्रेलिंग एसएल ज्यादा फॉलो करना है। निफ्टी रेंज बाउंड लग रहा है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव लग रहा है, ये व्यू है, निफ्टी रेंज बाउंड लग रहा है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव लग रहा है, इसलिए मैंने ये पुट ऑप्शन सेल दिया है। अब शॉर्ट करेंगे हम लोग ये, वेट वन मिनट, अब शॉर्ट करेंगे हम लोग हीरो मोटो। नाउ इट इज अ राइट टाइम टू शॉर्ट,
हीरो मोटो भी मैंने मैसेज किया, चेक कर लो। तीन ट्रेड दिया मैंने, हीरो मोटो, यूपीएल बाय, इंडसइंड बैंक, और ये पुट ऑप्शन शॉर्ट दिया, बस तीन ट्रेड दिया है। ये पुट का 150 का टारगेट है, सबसे पहले पुट का 150 का टारगेट है, ठीक है। और मिस्टर अंसार, जरा निफ्टी स्ट्रेटजी एमटीएम एमटीएम अपडेट करो जल्दी, एमटीएम बताओ जल्दी, निफ्टी स्ट्रेटजी का एमटीएम 12K प्लस, ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे। और प्रॉफिट रेंज मुझे बता दो, प्रॉफिट रेंज भी मुझे बता दो। बैंक निफ्टी चलेगा मेरे हिसाब से, बैंक निफ्टी ये 36,200 को रेस्पेक्ट कर रहा है और ये इजीली यहाँ तक जा सकता है। बैंक निफ्टी ये जो लेवल है ना, 36,400 तक, यहाँ तक जा सकता है। 36,400 क्रॉस किया तो 36,700 तक डबल टॉप बनाएगा ये, ठीक है। 36,400 पहला टारगेट है बैंक निफ्टी का, अगर वो क्रॉस कर लेता तो डबल टॉप बनाएगा 36,700 तक, इंट्राडे में भी पॉसिबल है। कॉमोडिटीज भी ट्रैक कर लेते हैं एक बार, कॉमोडिटीज में क्या हो रहा है। गोल्ड सिल्वर को ज्यादा मूवमेंट है नहीं आज, मतलब उधर ही है। मैं सोच रहा था कुछ बड़ा मूवमेंट आएगा। ये नेचुरल गैस का चार्ट दिख रहा है क्या? नेचुरल गैस का चार्ट कितने लोगों को दिख रहा है? नेचुरल गैस का चार्ट दिख रहा है? प्लीज रिप्लाई। यहाँ पे ये क्या बन रहा है? कैन एनीवन टेल मी What is this? What is this? Can anyone tell me? क्या बन रहा है? अगर ये ब्रेक हुआ तो क्या होगा? अगर ये ब्रेक हुआ तो क्या होगा? नीचे की तरफ कितना आ सकता है? 575 तक आ सकता है ये, 575 तक आ सकता है ये। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान करना है, इसको ऐड कर लो मार्केट वॉच में। इसका मैं ट्रेड दूंगा, मेरे हिसाब से ये 600 के आसपास शॉर्ट करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करके फिर ट्रेड लेंगे इसमें। हीरो मोटो शॉर्ट दिया मैंने, हीरो मोटो चल रहा है, यूपीएल में प्रॉफिट आ रहा होगा, इंडसइंड बैंक कॉस्ट प्राइस के आसपास है, इतने ट्रेड दिए मैंने अभी तक। बाकी 10 बजे का वेट करेंगे और 10 बजे के बाद ट्रेड लेंगे, थोड़ा और वेट करेंगे। तीन ट्रेड तो मैंने दे दिया कैश सेगमेंट में, तो कैश सेगमेंट का इनफ है, बाकी देखते हैं, और अगर कोई ट्रेड मिलता है तो ठीक है। मिस्टर दिव्य निवार और मिस्टर सचिन, आपने कर लिया वो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कंप्लीट? अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लिया आपने? किसमें करने वाले हो? फाइनली क्या डिसाइड किया है? पेटीएम का भी मैंने लिंक दिया हुआ है, पेटीएम मनी का भी। मिस्टर सचिन, मैंने मैसेज किया है नेचुरल गैस का कमोडिटी वीआईपी ट्रेडिंग कॉल्स ग्रुप में। सर अनिश, ये वेबिनार्स में
लर्निंग कम है, ट्रेडिंग ज्यादा है। वी विल गिव यू लाइव ट्रेड विथ एनालिसिस। अगर आपको सीखना है तो मैंने आपको देखो मोबाइल ऐप का लिंक भेजा हुआ है, उसमें टेक्निकल एनालिसिस कोर्स वगैरह सब डिटेल दिया है, ठीक है। उसमें ये सारी चीजें कवर है, मतलब 15 मिनट और ये सब सब कुछ कवर है उसमें। हीरो मोटो सेल दिया है, हीरो मोटो पे ध्यान देना, हीरो मोटो गिर सकता है। यूपीएल बाय दिया है, ये पुट ऑप्शन सेल दिया है, इस पे भी ध्यान देना, ये भी गिरेगा। बैंक निफ्टी लग रहा है 36,400 तक जाएगा लग रहा है। थर्टी सिक्स फोर हंड्रेड तक लग रहा है बैंक निफ्टी। थर्टी सिक्स टू हंड्रेड काफी है, थोड़ा वेट करते हैं मेरे हिसाब से। शॉर्ट ट्रैप थोड़ा बैंक निफ्टी में लग रहा है मुझे, ये शॉर्ट ट्रैप हो सकता है। ऑप्शन बायर का ट्रेड अभी मिला नहीं है मिस्टर सचिन, थोड़ा वेट करो। अगर ऑप्शन बाइंग का ट्रेड मिलेगा मैं दे दूंगा, थोड़ा वेट कर लो, ऑप्शन बाइंग ट्रेड आने दो। वेट करते हैं, थोड़ा वेट करेंगे, 10 बजने दो, थोड़ा व्यू क्लियर हो रहा है। बैंक निफ्टी तो पॉजिटिव है, दैट इज क्लियर। निफ्टी भी मुझे लग रहा है यहाँ से पॉजिटिव हो सकता है, यहाँ से रिकवर हो सकता है। निफ्टी 17,150 तक जा सकता है, 17,200 तक भी जा सकता है। निफ्टी भी मुझे थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है यहाँ पे, निफ्टी भी थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है। मैक्स टू मैक्स नीचे में 17,000, उससे नीचे नहीं लगता है निफ्टी। ये काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है, ये मैं आवरली मार्क करूँ ना यहाँ पे आपको समझ में आएगा, काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है ये। भले ही फ्लैट पैटर्न बना रहा है सब कुछ है, लेकिन ये एरिया काफी अच्छा सपोर्ट एरिया, और ये 3 बार टेस्ट कर चुका है इसको, और बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिल रहा है निफ्टी को आज, तो गिरने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। सत्रह हजार के पुट पे अभी भी दिख रहा है, अभी भी है 17,000 के पुट पे। तो सर सचिन वेबिनार के टाइम मैसेज मत करो ये सब, वी आर इन द वेबिनार, प्लीज फोकस ऑन वेबिनार। आपके बार बार मैसेज करने से मैं ऑप्शंस बाइंग ट्रेड नहीं देने वाला, ऑप्शंस बाइंग ट्रेड मैं मेरे हिसाब से ही दूंगा, कन्विक्शन होगा तो दूंगा वरना नहीं दूंगा, सिंपल है। हीरो मोटो गिर सकता है, निफ्टी 17,000 तक आ सकता है, 17,000 के बाद मुझे लग रहा है वहां से मोमेंटम पिकअप करेगा ये। बैंक निफ्टी थोड़ा ध्यान देते हैं, बैंक निफ्टी का फर्स्ट कैंडल का लो है 36,168। बैंक निफ्टी में एक्चुअली 36,000 का काफी अच्छा सपोर्ट है, इसलिए हम लोग ने ये पुट सेल किया है। थोड़ा वेट करते हैं, 260-270 के आसपास और सेल करना है ये। मुझे लग रहा नहीं है कि ये गिरेगा बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में मुझे शॉर्ट ट्रैप जैसा फीलिंग लग रहा है कि यहां से शॉर्ट ट्रैप हो सकता है। बैंक निफ्टी में शॉर्ट ट्रैप जैसा लग रहा है, क्योंकि ये एरिया काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है, ये एरिया काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है। 36,000 काफी अच्छा सपोर्ट है, 36,100 काफी अच्छा सपोर्ट है,
तो बैंक निफ्टी के लिए मल्टीपल सपोर्ट्स है यहाँ पर। बैंक निफ्टी के लिए मल्टीपल सपोर्ट्स है। मैं तो एक काम कर रहा हूँ, एक और लॉट इंक्रीज कर रहा हूँ इसको, थोड़ा सा क्वांटिटी खुद का इंक्रीज कर रहा हूँ। एक लॉट और इंक्रीज किया मैंने, एक लॉट मैंने और इंक्रीज किया है। मेरे पास मार्जिन है, मेरे पास रिपेयर का भी मार्जिन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जितना क्वांटिटी मार रहा हूँ उतना आपको क्वांटिटी मारने का जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से रिस्क के हिसाब से ट्रेड कर सकते। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी को ओवरटेक कर सकता है आज। निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, अब दोनों के बीच में गैप कम हो चुका है। पहले बहुत ज्यादा था, पहले 60 पॉइंट प्लस था, ये 34 पॉइंट माइनस था। आप देखो दोनों के बीच में गैप कम हो रहा है, दिख रहा है क्या? निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के बीच में गैप कम हो रहा है, तो निफ्टी इज एक्चुअली नाउ गेटिंग स्ट्रॉन्गर। निफ्टी ये लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए, 36,000 तक के लेवल, उसके नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए। थर्टी सिक्स 200 तो ऊपर जाएगा तो वापस देखेंगे। 10 बज गया ना, एक बार स्टॉक स्कैनिंग कर लेते हैं, एक और बार स्टॉक स्कैनिंग कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता बैंक निफ्टी यहाँ से गिरेगा, मुझे बैंक निफ्टी में फॉल नहीं लगता यहाँ से। स्टॉक स्कैनिंग कर लेते हैं एक और बार, नया कोई स्टॉक आया क्या चेक कर लेते हैं। वोल्टास है, एचयूएल भी, क्या बात है, मतलब एफएमसीजी स्टॉक्स में फॉल है। एशियन पेंट आया है, एशियन पेंट और एचयूएल, ठीक है, एशियन पेंट और एचयूएल आया है, और होम फर्स्ट करके एक मिड कैप काउंटर भी आया है, ठीक है। पावर ग्रिड में बाएंगे, क्या बात है, पावर ग्रिड, पेट्रोनेट, पेट्रोनेट और पावर ग्रिड ये चेक करेंगे। पेट्रोनेट तो हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था, राइट, पेट्रोनेट में बाइंग आया है, ठीक है, पावर ग्रिड में बाइंग आया है, पावर ग्रिड में ये भी चेक करते हैं। पावर ग्रिड में बाइंग आया है, पेट्रोनेट में बाइंग आया है, वेट ऑन मिनट, ये दोनों स्टॉक में बाइंग आया है। पेट्रोनेट क्रॉस कर दिया है, फिर ब्रेकआउट दे दिया है पेट्रोनेट ने, पेट्रोनेट ने ब्रेकआउट दे दिया है। जरूरी नहीं आपको सारे ट्रेड लेना है, आप अपने हिसाब से ट्रेड ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कम क्वांटिटी ट्रेड करना है कैश सेगमेंट स्टॉक्स में। पेट्रोनेट मैसेज किया है मैंने, पेट्रोनेट भी बाय दिया है, पावर ग्रिड मैंने बाय नहीं दिया, थोड़ा वेट करेंगे पावर ग्रिड के लिए, डबल टॉप लग रहा है उसको। हीरो मोटो शॉर्ट है, यूपीएल बाय है, पेट्रोनेट बाय है, और ये वाला पुट शॉर्ट है। ये वाला पुट हम लोग थोड़ा क्वांटिटी और सेल करेंगे 260-270 के आसपास, 260-270 के आसपास और सेल करेंगे। निफ्टी 17,000 के नीचे नहीं लगता है मुझे, 17,000 के नीचे जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है। 16,971, वेट ऑन मिनट, डेली चार्ट इसका देखने तो जरा क्या है, 16,16, ठीक है, मुझे इससे ज्यादा नीचे लगता नहीं है ये। एक बार के लिए स्टॉप लॉस प्लेस मत करना, मैं आपको बोलूंगा तब स्टॉप लॉस करना है, ये बैंक निफ्टी का पुट में स्टॉप लॉस प्लेस मत करना, मैं आपको बोलूंगा। हो सकता है वोलाटिलिटी में स्पाइक में स्टॉप लॉस देकर फिर वापस नीचे आ जाए, एक बार स्टॉप लॉस प्लेस मत करना, मैं आपको बोलूंगा तब करना, मैं आपको बोलूंगा कब एग्जिट करना है, अभी फिलहाल स्टॉप लॉस प्लेस मत करना।
स्पाइक में जा सकते, हाँ क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं, ये लेवल पे आपको क्वांटिटी इंक्रीज करना है, किसी को कर सकते हैं क्वांटिटी इंक्रीज। क्वांटिटी किसी को इंक्रीज करना है कर सकते हैं। ₹36,000 के नीचे तो लगता ही नहीं है मुझे, लाइन ऑफ टी 36,000 के नीचे नहीं लगता है। किसी को क्वांटिटी इंक्रीज करना है वो भी कर सकते हैं आप। वेट वन मिनट, पेट्रोनेट चलना चालू हुआ, पुट ऑप्शन में थोड़ा सा क्वांटिटी इंक्रीज और कर सकते हैं। अगर ये 36,200 गया ना, क्रॉस किया ना, तो बिंदास क्वांटिटी इंक्रीज कर लेना इसमें। है मैंने तो थोड़ा बहुत क्वांटिटी इंक्रीज कर लिया है, और देखेंगे या क्वांटिटी आप इंक्रीज कर सकते हो। ये मैंने इसमें क्वांटिटी इंक्रीज किया, ये पुट सेल में, ठीक है, किसी को क्वांटिटी इंक्रीज करना है कर सकते हैं। थर्टी सिक्स 200 के ऊपर जाना चाहिए बैंक निफ्टी, बस फिर 36,400 वन वे रैली है, वन वे, क्योंकि शॉर्ट्स काफी ज्यादा ट्रैप है। चार स्टॉक्स के ट्रेड हम लोगों ने लिए हैं, तो ज्यादा कैश सेगमेंट में ज्यादा क्वांटिटी करना नहीं है, ठीक है, कैश सेगमेंट के ट्रेड में ज्यादा क्वांटिटी करना नहीं है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है जो है, और एग्जैक्ट टारगेट का वेट करना नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है यहाँ से ज्यादा कोई बड़ा फॉल लगता नहीं है, वापस ये 36,200 क्रॉस करेगा तो 36,400 तक जा सकता है, उतना पोटेंशियल है इसमें। निफ्टी भी 17,000 के नीचे नहीं लगता है, वापस बोल रहा हूँ मैं, 17,000 के नीचे निफ्टी नहीं लग रहा है मुझे, 17,000 यहाँ से ही कहीं से 17,000 के आसपास से सपोर्ट लेकर ऊपर जाना चाहिए, और ये 17,150 17,200 तक भी जा सकता है निफ्टी, ठीक है। तो मैंने आपको पोटेंशियल टारगेट्स बता दिए, ये पॉसिबल है आज आ जाए या पॉसिबल है कल आ जाए, तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना है। बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है कंपेरेटिवली निफ्टी, तो बैंक निफ्टी का टारगेट आ जाने के चांसेस ज्यादा है। 36,700 ओवरऑल ब्रॉडर टारगेट है बैंक निफ्टी का, 36,700। तो सर आंसर 36,700 के आसपास मैक्स प्रॉफिट है क्या बैंक निफ्टी में, चेक कर लो जरा, 36,700 के आसपास तक मैक्स प्रॉफिट है क्या, मैक्स प्रॉफिट कहां पर है, मैक्स प्रॉफिट कहां पर है, 37,500, अच्छा बहुत दूर है, मतलब ठीक है, मतलब 700-800 पॉइंट का रैली चाहिए हमें कम से कम, ठीक है, 500-600 पॉइंट का रैली तो लग रहा है मुझे यहाँ से, 500 पॉइंट का तो रैली मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में यहाँ से, 36,200 क्रॉस करते ही शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगा इसमें।
36 200 क्रॉस करने दो बस, इसमें शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगा, ऐसा है। थर्टी सिक्स थाउजेंड के नीचे नहीं लगता है बैंक निफ्टी। ये पुट ऑप्शन में स्टॉप लॉस मत रखना, मैं आपको बोलूंगा तब करना है, मैं आपको बोलूंगा। स्टॉप लॉस एग्जैक्टली प्लेस मत कर देना इसमें, क्योंकि हो सकता है वोलाटिलिटी आए, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। तो स्टॉप लॉस प्लेस मत करना, मैं आपको बोल दूंगा तब करना है, मैसेज करूंगा मैं। यस वन फिफ्टी का टारगेट है हमारा ये पुट में, वापस बोल रहा हूँ, 150 का टारगेट है। 150 अगर अचीव हो गया तो 100 तक भी जा सकता है, सेकंड टारगेट 100 का दिया मैंने। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, पैटर्न समझ में आ रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई, पैटर्न समझ में आ रहा है? इज इट मेकिंग हायर लोज, यस और नो? हायर लो बना रहा है ये, और कुछ नहीं है। इंडिया विक्स प्लस है उससे, ठीक है। इंडिया विक्स यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, इंडिया विक्स नेगेटिव हो जाएगा। इंडिया विक्स नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली प्रीमियम भी गिरेगा, ऐसा है। यहाँ से मिस्टर दिव्यनिवार, मुझे नहीं लगता कोई बड़ा फॉल या कोई बड़ा डाउनफॉल नहीं लग रहा है मुझे। मुझे इनफैक्ट लग रहा है यहाँ से ये ऊपर की तरफ खींच लेगा, ये उसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग शॉर्ट में ट्रैप होंगे मेरे हिसाब से। अभी बैंक निफ्टी में तो शॉर्ट बहुत ज्यादा ट्रैप है, ये तो क्लियर दिख रहा है। निफ्टी में 17,000 के आसपास शॉर्ट ट्रैप होंगे मेरे हिसाब से। व्हाट्सएप पे थोड़ा एक्टिव रहना, कुछ भी अपडेट रहेगा मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा, तो व्हाट्सएप पे थोड़ा एक्टिव रहना। थोड़ा सा वेट करते हैं, ये कैंडल खाली रिकवर होना चाहिए। ये कैंडल जो है ना बहुत मेन कैंडल है, इम्पोर्टेंट है। नेचुरल गैस भी ऐड कर लेते, काम करते। नेचुरल गैस में भी मैं ट्रेड लिया हूँ, इसलिए नेचुरल गैस भी ऐड कर लेते हैं। एक ही लॉट मैंने सेल किया है अभी तक, एक बाकी करूंगा क्वांटिटी बाद में। एक लॉट मैंने सेल किया है, पैनिक बिल्कुल भी मत होना। इट इज जस्ट अ वोलाटिलिटी, नथिंग एल्स। पैनिक बिल्कुल भी मत होना, मैं आपको बोलूंगा कब एग्जिट करना है। पैनिक होके एग्जिट मत कर देना। निफ्टी आ गया सपोर्ट पे,
निफ्टी जैसा सोचा था वैसे 17,000 के आसपास आ चुका है। निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, उसके चांसेस ज्यादा लग रहा है। बैंक निफ्टी बस 36,200 क्रॉस कर देगा ना तो निकल जाएगा। हीरो मोटो नीचे आया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना स्टार्ट कर दो। हीरो मोटो में हीरो मोटो नीचे आ रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना स्टार्ट कर लो। पुट ऑप्शन एज इट इज होल्ड है, पैनिक बिल्कुल भी मत होना, ठीक है? मैं आपको बोलूंगा कब एग्जिट करना है, व्हाट्सएप पे मैं मैसेज कर दूंगा तब एग्जिट करना है, ठीक है? मैं आपको बोलूंगा, वरना 150 का टारगेट है, ठीक है? वेबिनार एंड करते हैं, मॉर्निंग वेबिनार, आफ्टरनून वाले वेबिनार में मिलेंगे 2:30 बजे। लेकिन व्हाट्सएप पे एक्टिव रहना, बिकॉज व्हाट्सएप पे आपको ट्रेड्स अपडेट्स वगैरह सब मिलते रहेंगे, तो व्हाट्सएप पे एक्टिव रहना। 2:30 बजे मिलते हैं। सेकेंड लिंक आपको क्लिक करना है, सेकेंड लिंक जो मैंने मैसेज किया है, दैट इज आफ्टरनून वेबिनार लिंक। तो 2:30 बजे आफ्टरनून वाले वेबिनार में मिलते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग ऑल ऑफ यू।